हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक लोकल शॉप में आए हैं, यहाँ बैंगलोर में है, सरजापुर रोड पे। और यहाँ पे हमें लेना था फॉल सीलिंग के लिए लाइट्स लेनी थी, और साथ में एक शैंडलियर भी देखना था और कुछ फैंसी लाइट्स भी देखना था जो हम अपने घर में, नए घर में एक्चुअली लगाने का सोच रहे हैं। और यहाँ है टुक्को, तो आप देख सकते हो परेशान करते हुए, परेशान होते हुए एक्चुअली। और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल जाता है। और फिर हम लोग यहाँ नेक्स्ट डे आए हैं, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है ना, मैं लोकल कारपेंटर से बनवा रही हूँ, वो मैंने आपको पहले भी बोला है अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो तो। तो यहाँ पे मैं लैमिनेट सिलेक्शन कर रही हूँ कि कौन कौन सा लैमिनेट जो है उसके लिए चाहिए। वन ऑफ दी थिंग जो कि मैं लोकल कारपेंटर से करा रही हूँ इज़ माई शू रैक। और यहाँ पे हमारे जो किचन का है वो डैडो टाइल्स फाइनली यहाँ पे लग रहा है। तो जो काम है इंटीरियर का, जो काम होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पे किचन में, तो इसलिए हम लोग यहाँ डैडो टाइल्स लगवा रहे हैं ताकि हॉब और चिमनी जो है वो फिक्स हो जाए टाइम पे, एटलीस्ट गृह प्रवेश के पहले, क्योंकि गृह प्रवेश में जो है खाना वाना सब इसी पे बनेगा, हॉब पे। तो आप देख सकते हो, और जो टाइल्स है मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और ये थोड़ा लाइटर शेड में भी है, बीच बीच में आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर भी है, क्योंकि आप मेरे, अगर आपने देखा होगा ना, तो मेरे घर का जो इंटीरियर है वो थोड़ा लाइटर शेड में मैंने रखा है, तो कहीं कहीं पे ना मैं थोड़ा कलर मैंने दिया है इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, या फिर जैसे आप देख सकते हो जो नीचे वाला जो कैबिनेट है हमारे किचन का, तो वो मैंने वुडन फिनिश में दिया है, क्योंकि बाकी जो है ना ऊपर पूरा वाइट है। तो इस तरह का जो है बन के आया है, और यहाँ तक मैंने पूरा ऊपर तक मैंने ये टाइल्स डलवाया है यहाँ पे, और चिमनी के पीछे भी आप देख सकते हो पूरा ऊपर तक मैंने लिया है ताकि साफ सफाई में ना इजी हो सके। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि मैं इंटीरियर जो है वो बोनीतू से करा रही हूँ, और हम उससे खुश नहीं हैं उनके काम से। क्यों? आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे एक किचन में ना नीश है, और उन्होंने मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे गलत ले लिया, जिसके वजह से प्लाईवुड और इस नीश के बीच में गैप आ गया, और उन्होंने यहाँ पे अलग से फिर एक कुछ लगाया है, जिसके वजह से क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है, विच वॉज रियली बैड, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा हमारा। फिर यहाँ पे हमारा जो चिमनी था और हॉब था, ये इंस्टॉलेशन होना था, तो चिमनी और हॉब जो है ये दोनों ही हमने अपने बोनीतू से ही, हमने उसी साइट से हमने मंगवाया, और जो आप वहाँ से, मतलब इट्स जस्ट लाइक आपको कि आप ऑर्डर करना होगा, लेकिन बाकी सारा जो भी प्रोसीजर है, लाइक आपको कॉल खुद से करना होगा कॉल सेंटर में, एंड देन यू हैव टू रेज अ रिक्वेस्ट उनके इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमने इंस्टॉलेशन के लिए रेज किया था, तो दे वर रियली हेल्पफुल इन दैट, और उन्होंने 48 आवर्स के विदिन ही जो है टेक्नीशियन को भेजा, और यहाँ पे वो दोनों ही, लाइक चिमनी और हॉब दोनों ही इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, बिना टच के? हाँ,
हमारी जो चिमनी और हॉब है वो दोनों ही कैफ ब्रांड की है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका रिस्पांस और इनके इनकी जो सर्विस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना पाइप, तो पाइप का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा क्योंकि इसके साथ जो पाइप आता है ना वो बहुत छोटा रहता है, बट हमें थोड़ा लंबा पड़ गया लगवाना। और यहाँ पे ये हॉब है, हॉब भी कैप ब्रांड का है, और अगर ये मॉडल अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से जो है ना काफ़ी अच्छा रिव्यू भी था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इन केस अगर मुझे ये अमेज़ॉन पे मिलेगा तो इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चेक कर सकते हो। एंड इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू बाय तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, मुझे थोड़ा सा कमीशन भी मिल जाएगा एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो यहाँ पे जो ये पाइप है, एक पाइप यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि हमने मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे जो गैस पाइप है वो यूटिलिटी से यहाँ पे उन्होंने निकाल के रखा था, तो यहाँ पे इजीली अटैच हो गया। गैस से करने पे होगा और फिर गैस एक तो ये तभी चारों बंदर में पास आएगा। कौन सा वाला गैस ऑन करेगा वो बंदर से? आज हम यहाँ एशियन पेंट में आए हैं उनके शोरूम में कुछ वॉलपेपर्स देखने के लिए। तो उनका अभी एक लेटेस्ट कलेक्शन जो है निलाया करके है, जिसका कि कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो वो मैं यहाँ पे चेकआउट करने आई थी जस्ट टू एक्सप्लोर कि मैं चाहती हूँ कि कुछ वॉल पे ना वॉलपेपर यहाँ पे लगाऊं, बट स्टिल डायलेमा में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा देखते हैं किस तरह का कलेक्शन है और जो हमारा वॉल है उस वॉल पे जाएगा भी या नहीं जाएगा। और साथ में ही हमने किड्स रूम के लिए भी देखा क्योंकि एक वॉल पे तो हम लगाएंगे ही वॉलपेपर, तो इसलिए यहाँ पे ये किड्स का कलेक्शन है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।